भाई यार नॉट योर टाइप की वीडियो देखो। अरे हाँ, उसने न्यू वीडियो कुछ अपलोड किया ना। देखो अब तुम लोग भी डिमांड कर ही रहे हो, तुम इतने सारे लोग अगर डिमांड कर रहे हो तो देखना तो बनता ही है। तो लेट्स सी दैट सब्जी बाजार वाली वीडियो। मम्मी सब्जी तो लेनी थी, आपको आना जरूरी था। हाँ बेटा, क्योंकि तुझे पता भी है तू पूरे 20 रुपए में कितनी कम सब्जियां लेके आया है। बस ये आलू, प्याज, बंद गोभी, खुली गोभी, मूली, गाजर, कद्दू, दद्दू, कितनी कम सब्जियां आई है। बहन जी आलू कितने के? दद्दू वाला वाज नाइस यार, नाइस 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 दिया। और वो बेचने के लेनी है। अरे अरे, और ये टमाटर? वो टमाटर नहीं है, वैसे 10 रुपए किलो। अरे नहीं नहीं, बड़े महंगे लगाए, बगल वाला तो 5 में दे रहा है। आप ये टमाटर छोड़ो, मुझे लाल पिछवाड़े दे दो, बड़े रसीले लग रहे हैं। बेटा तुझे सब्जी खरीदते नहीं आती है, पूरे 8 रुपए का नुकसान करके आया है तू। मम्मी 8 रुपए में कौन सा भाई, 8 में भाई क्या बंद गोभी, गाजर और ये क्या क्या तो कद्दू दद्दू, भाई 28 रुपए हुए ना, फिर 20 रुपए, फिर 8 रुपए का नुकसान। एक सेकंड, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, एक मिनट, 8 रुपए का, 12 रुपए, 12 रुपए में इतनी सारी चीजें, घंटा लसुन भाई 20 रुपए का मांगो दो तो पकड़ा देते हैं बस। अमीर हो जाएगा वो। कल ही मैंने 8 रुपए कमाकर अपने जीवन की सबसे बड़ी कमाई करी, जिससे मैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आ गया हूँ। सर वो आपकी बीमारियों की लिस्ट है। क्या मतलब? अभी ये एड्स माइक्रोसॉफ्ट का मालिक है बेवकूफ। सर वो एड्स नहीं, गेट्स है, बिल गेट्स। सर हाल ही में आपने एक पिक्चर भी डायरेक्ट करी है, उसका भी ट्रेलर आया है इस शनिवार। रुक जाओ लगड़े आम। मैं इसकी पूरी शान लूट लूंगा। बॉस थोड़ी शान मुझे भी उधार मिल जाएगी क्या? वो माँ का थोड़ा इलाज करवाना था। अबे तुझे पता भी है शान क्या होती है? हाँ सुना है, काफी कीमती होती है। नहीं अबे बेवकूफ, कीमती नहीं, बहुत कीमती होती है। इसमें तेरी माँ का क्या, हम तीनों की माँ का इलाज हो जाएगा। पर बॉस मेरी माँ तो साली पहले से ही ठीक है। रुको अभी साली की टांगे तोड़ के आता हूँ। ऑफ टॉपिक गया मतलब डार्क होना ही है। इसका है कि भाई ऑफ टॉपिक अगर हुई चीज तो वहाँ डार्क तुम्हें मिलेगा। अब तेरी सारी शान मेरी। 30 मिनट बीत जाने के बाद, 5 घंटे बीत जाने के बाद, पूरा दिन बीत जाने के बाद, कहाँ छुपाई ये शान? मिल जा। बॉस मैंने माँ के पैरों के साथ उनकी कमर भी तोड़ दी, दिल बहुत आया है, शान काफी है ना। कितनी इमोशनल मूवी थी। इसमें क्या इमोशनल लगा तुझे? ओए आखिरी वाला सीन नहीं देखा क्या तूने? कौन सा? ओए डायरेक्टेड बाय नरेंद्र बग्गी, रिटन बाय चूचा मूचा। अरे वाह, ये मूवी का आखिरी सीन कितना हॉट था। सुनो जॉनी, आज तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। सच्ची जॉनी बिया इन दी हाउस, नॉट इन दी हाउस, इन नॉट योर टाइप वीडियो। मुच्ची, डायरेक्टेड बाय नरेंद्र बग्गी। ओह डायरेक्टेड बाय नरेंद्र बग्गी, रिटन बाय चूचा मूचा। ओह माय गॉड, रिटन बाय चूचा मूचा। को स्टार? नहीं, तुम एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर गुलाबी गैंडूल को भूल रही हो। वैसे तू क्या कर रहा है यहाँ पे? भाई लो, क्या क्वेश्चन पूछा है? मैंने इतने बड़े सब्जी मार्केट में ये बैग लेके अंडरटेकर, देसी फ्रेंड्स विद बेनिफिट। अंडरटेकर का कुछ था ना उसमें एंड में। भाई एक तो इतना ऑफ टॉपिक भगत है, पुरानी वीडियोस में भूल जाता हूँ मैं क्या हुआ था। ओके कंटिन्यू। शार्क टैंक करने आया हूँ। जोक मार रहा है? ओए नहीं, सच में शार्क टैंक कर रहा हूँ। हेलो शार्क्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ हर भिखारी की दोस्त बोरी, और साथ में लालू भी आया है। ये भी आपकी कंपनी में? शार्क तुम चुप रहो, लालू से पूछ रहा हूँ। सॉरी शार्क, बोलो लालू। क्या बोल रहा है? अरे हाँ शार्क सॉरी, आपको समझ नहीं? मुझे लगा कि वो कुछ करने वाला है। क्या होगा? लालू ने क्या बोला? लालू बोल रहा है भाऊ भाऊ। अच्छा ये बात तो बिल्कुल सही कही मिस्टर लालू आपने। शार्क्स आप इस बोरी पर बैठ सकते हो, ठंड में इसे पहन सकते हो, इस पे सूसू कर लो, ये सब गायब कर देती है, और टाइम पास में इसे चबा हाँ सकते हो। अरे अरे उसमें आपने अभी सुसु किया बस, पता बस, है सर। मैंने पॉज इसलिए किया था तब उसके बोलने से पहले कि चबा सकते हो, बोलने से पहले कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसे ही करने वाला है, या तो उड़ेगा या तो कुछ तो डर्टी करेगा उसके साथ, इसलिए तो किया है। ओ फ्लेवर प्रोडक्ट। तो शायद मैं अपनी आधी बोरी के बदले आपसे मांगता हूँ 10 ग्राम आटा और 1 धनिया। देखो यार प्रोडक्ट काफी अच्छा है, फ्लेवर भी काफी बढ़िया है, लेकिन देखिए मेरा फाइनल ऑफर 1 धनिया है। शार्क्स मुझे अपने पार्टनर से डिस्कस करना है। अच्छा अरे लेकिन
ओ हाँ सही बात है, क्या डिस्कस किया फिर आपने? कुछ भी नहीं सास, लालू तो बस मेरा कान चाट रहा था। डन हो गया तेरा? अरे सुनो भैया, ये कैसे फल है, थोड़े फ्रेश दिखाओ ना। जी बहन जी, बड़ा छोड़ू, फ्रेश दिखाना मैडम को। ठीक है फ्रेश 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 आ करिए लीजिए। अरे थोड़ा सा बचा है, देखिए ये मम्मी का निवाला, ये मेरा, चलिए मम्मी का निवाला है। अरे कितने क्यूट है ये, एक मेरा निवाला भी खिलाइए ना। अच्छा चलिए, ये निवाला भाभी। क्यूटू फ्रेश 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 ललो ललो। हाँ ये ठीक है, ये नहीं ये सेब बस है। अच्छा है कि बेकार बेटा, थोड़ा ना इसे पकड़ के फील करना पड़ता है। फील करना पड़ता है, फील करना पड़ता है। नो फील। ओ बेटा बस ऐसे उंगली कड़ाने से पता चल जाता है, छाती पे मलना बंद कर उसे। भैया मुझे वो स्टिकर वाला वॉचमैन अनपैक कर देना। आपको पता है स्टिकर वाले फ्रूट ना सबसे फ्रेश होते हैं, मैं तो हमेशा वही लेती हूँ। अरे यहाँ पहले तो दो वॉटरमेलन नहीं था। खैर मेरा तो स्टिकर वाला है, ये इतना भारी तो नहीं था। खैर जो भी है, पहले नहा के आ जाती हूँ। जब तक वो नहा के आ रही है कुछ खा लेता हूँ। अबे बुड्ढे मरवाए, कुछ और खा ले। ये तो अबे क्या कर रहा है, ये भी इंसान है, ये खा के देखता हूँ। अरे इसने मेरी बूंद खा ली। बुड्ढे उधर जाना, आ दिक्कत है। ओह भाई खाली बुड्ढे उधर जाना, आ दिक्कत है। समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं लगता मैंने किसी को उड़ा दिया, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। अरे ये तो बस एक तरबूज है। मैं भी ना। अरे नहीं वो तो कोई इंसान है। अरे अरे नहीं नहीं तरबूज है तरबूज है। अरे नहीं इंसान है। अरे नहीं नहीं तरबूज है तरबूज है। ले जाओ एक पे एक फ्री ऑफर। अरे वाह ये डील तो मैं लेके रहूंगी। बेटा सुन और ध्यान से सुनना, 4:30 बजे से पहले तुम इस मंगलवार बाजार से बाहर निकल जाना, मैं तुम्हें भारी मिलूंगी। क्यों? मैंने बोला ना 4:30 मतलब 4:30। ठंडा नींबू पाने वाले या छुपती गर्मी में मिले ठंडक का एहसास, आजा प्यारे बुझा ले अपनी प्यास। क्या बकवास जगह है। शायद उसकी एक्टिंग ही क्या, वो पुदीना वाला एक मीम आया था जो ऐसा लगा। ये मंगलवार बाजार है। वो देख डॉली भैया फेमस चाय वाले। अरे डॉली भाई एक जल्दी से चाय लगा दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अभी लो। डॉली भाई थोड़ा जल्दी लगा दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। ये तो हम डेली देखते हैं। डॉली भाई प्लीज, डॉली भाई बहुत लेट हो गया, नौकरी का सवाल है। बस करो डॉली भाई, आपसे 5 की चाय मांगी थी, 500 का मुजरा दिखा रहे हो, सुबह से शाम कर दिया। अबे ओ डॉली का मेन धंधा ही मुजरा है, चाय तो डॉली वैसे ही पिला देता है। लेकिन डॉली नीचे झुक और ले मुंह में डॉली की चाय। डॉली भाई गरम है। ये कहाँ पे आए हुए हैं यार, पता रखिए। ये आदमी तो सांड पे बैठा हुआ है और ये सब्जी मंडियों की सड़क इतनी गीली की होती है पापे। ओए यहाँ पे आके देख, क्या पानी बह रहा है बस। अब उधर देख, ये सारे बाजार का पानी मिलके जा किधर रहा है। भाई चल पता लगाते हैं, आजा मेरे पीछे। ऑफ टॉपिक, फिर कुछ डार्क होने वाला है अब। बाप रे फाइनली अब हमें पता चलेगा कि ये सारा गंदा पानी जा किधर रहा है। ओह बाय द वे हमें यहाँ आने में बस 3 मिनट ही लगे हैं। तुम्हें मोंटाज देख के लग रहा होगा हमें यहाँ आने में साल लग गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या है, मंगलवार बाजार का मौसम बड़ा तेज चेंज होता है और ये पापे की तो हर 15 मिनट में दाढ़ी बढ़ जाती है। फुल मून के दिन तो साला भेड़िया ही बन जाता है। तो फुल मून के दिन भेड़िया भी तो पापे बन जाता है। अरे नहीं आज तो फुल मून है। हाँ ठीक है बस, अब हमें फाइनली पता चलेगा कि ये सारा गंदा पानी जा किधर रहा है। एपिक यार। भैया एक टिकी खिलाओ ना प्लीज, एक टिकी। पापे तूने देखो पापे, ये तो अपने चंद्रश बिहार फुल्की वाले। भैया खट्टी मीठी लगाओ, खट्टी मीठी। भैया भैया एक मीठी पापड़ी खिलाओ ना। ओए चंदू बेबी को जरा मीठी पापड़ी खिला बेटा। चल और बेटा सुन, पैसे तेरे भाई के खाते में लिख लियो, ठीक है? किस में लिखेगा? खाते में। चलो बेबी अभी मुझे जॉब के लिए जाना है, वरना बॉस नाराज हो जाएगा। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अरे चंदू दादा सॉरी यार आज थोड़ा लेट हो गया, बर्तन धो दूं पहले? भैया एक और मीठी पापड़ी। ओ हेलो, क्या मीठी पापड़ी, एक ही मिलती है, पैसे दे दिया आपने? मेरे बीएफ के खाते में। ओ भैया कोई खाता वाता नहीं, नगद दो नगद। और वो तुम्हारा बीएफ, वो तो यहाँ पे दूसरी लड़कियों के साथ भी आता है, काट रहा है तुम्हारा। चलो चंदू दादा मैंने बर्तन धो दिया है ना, मैं चलता हूँ।
अरे सॉरी बेबी, आज काम में बहुत बिजी था। ओए चंदू, बेबी को अच्छे से खिलाया? मुझे यहाँ पे जो बर्तन धोता है उसने तुम्हारे बारे में सब बता दिया। अरे वो गीदड़ सी शक्ल का जिसके पास केटीएम है। देखो बेबी, उसकी बातों पे यकीन मत करो, वो जलता है मुझसे। रुको अभी साले को कॉल करता हूँ। हेलो, क्या है बे? तुझे बहुत ज्यादा समझ में आ रही है ना? हाँ तो बेटे कभी मिल मत जाइयो। अबे जाना, मैं तो यही हूँ, सामने देख। साले चल। अबे तू ले, मेरी गर्लफ्रेंड को भड़काएगा? हाँ भड़काऊंगा, क्या कर लेगा? तुझे मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ। सॉरी यार चंदू, मेरे खाते में लिख लियो। कोई खाते में मत लिखना चंदू दादा, पैसे लो इससे। अरे नहीं, 4:30 बजने में बस 5 मिनट कम है, मुझे निकलना होगा। पापे मुझे व्हाट वाज दिस? क्या लड़की को भोंदू दिखा रहे कि क्या था गया ये? ओए ये आसमान को क्या हो रहा है? तुम दोनों अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कहा था ना 4:30 बजे के पहले बाहर निकल जाना, चलो। अरे बहन, भीड़ लगी इतनी भी क्या जल्दी है? हम सब की दुकानों पे सेल लगी है, सिर्फ 1 रुपए में पूरी दुकान ले जाइए। हमें नहीं चाहिए, हटो सामने से। ले जाइए। मम्मी ये क्या हो रहा है? मैंने जब कहा था तुमसे कि निकल जाना। बहन जी, सिर्फ आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तुमसे कहा था इधर आओ। हाँ भाई, स्कैम होते हैं ये तगड़े वाले। ये मैंने देखा है पता है बाजारों में, वो वहाँ पे ऐसे चिल्लाएंगे कि 30 रुपए का जो भी सब्जी ले जाना है ले जाओ, 30 रुपए का जो भी सब्जी ले जाना है ले जाओ, 30 रुपए से सब्जी हम चालू। जाके देखो तो रहता है कि भाई 30 रुपए का वो आलू दे रहे हैं, वहाँ से स्टार्टिंग है। उसके बाद फिर जैसे गोभी लो तो फिर वो 50-60 ऐसे ऐसे। ये स्कैम चलता है भाई इनका बहुत। मरा ही अब कहाँ भागेगा? अच्छा टाइम अप हो गया। ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार बाजार एक श्रापित जगह है। अगर कोई भी वहाँ 4:30 बजे के बाद रुकता है तो वहाँ के सारे लोग उसे वहीं रोकने की कोशिश करते हैं। और अगर एक बार तुम वहाँ गलती से रुक गए यो, आई होप वेल। देखो स्टोरी उतनी कुछ ऐसी समझ सी नहीं आई, डार्क जो चीजें थी उसकी स्क्रिप्टिंग नेक्स्ट लेवल यार, बहुत सही थी। एनिमेशन वॉज टॉप नॉच। और भाई ये देखना, वॉइस आयु, स्टोरी बोर्डिंग सुमन और ये ठीक है जो भी है, वॉइस लेकिन ओनली बाय आयु, जितनी आवाजें भाई वो सब यही निकाल रहा है। हैट्स ऑफ आयु, अमेजिंग वर्क यार।